नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ हेल्दी ड्राई फ्रूट बर्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे एक बर्फी आप खा लेंगे तो कई बीमारियों से दूर रहेंगे। इसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक आराम से खा पाएंगे और इसे बनाना इतना आसान है कि मैं सही मेज़रमेंट से इसे बताऊंगी, जिससे कि आप एक बार में ही परफेक्ट बर्फी बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बर्फी को हेल्दी और न्यूट्रिशन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 तरह के सीड्स का यूज किया है, जिसमें है पतली मगज, मोटी मगज, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स है। और मैंने इसमें तिल का भी यूज किया है। ये जितनी भी एडिबल सीड्स हैं वो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर ये सारी बीजें नहीं मिलती हैं तो आप इसमें सिर्फ आधा कप तिल का यूज करें। इन सीड्स को खाने से हमें बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट मिलती है, तो यहाँ पर मैंने सारे सीड्स को मिला के हाफ कप लिया है। अब बारी है इन सीड्स को हमें रोस्ट करने की। तो सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इस कढ़ाही में हम अपने सीड्स को डाल देंगे। इसे भूनने के लिए हमें घी का यूज नहीं करना है, नहीं तो अगर अब एक बार कढ़ाही में घी डाल देंगे तो इन बीजों को निकालना बाहर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसे भूनने के लिए हमें 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि थोड़ी ही देर में जब सीड्स से चटकने की आवाज़ आए तो समझ जाए कि आपकी जितनी भी सीड्स है वो भून चुकी है, तो इसे आप बाहर निकाल लें। इसी सेम कढ़ाई में हम सारे ड्राई फ्रूट को भून लेंगे, पर मैंने मेज़र करके आधा कप घी लिया है। अब इसी घी से हम थोड़ा थोड़ा घी कढ़ाई में डालते जाएंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप बादाम लिया है, जिसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। बहुत ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत हमें नहीं है। बादाम भूनने के बाद इसमें अभी थोड़ी सी घी है, तो इसमें मैं घी नहीं डालूंगी, बस 1/4 कप यहाँ पर काजू डालूंगी। मैंने यहाँ पर टूटे हुए काजू का यूज किया है, चाहे तो आप होल काजू का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे भी हमें 1 से 2 मिनट ही भूनना है। हल्का सा जब काजू में कलर चेंज होने लगे तो इसे आप कढ़ाई से बाहर निकाल लें। कढ़ाई में जैसे ही आपको लगे कि घी ख़त्म हो गई है तो 1 चम्मच घी फिर से डाल दें। और इसमें मैं 2 कप मखाने डालूंगी। जानते हैं मखाने में कितनी न्यूट्रिशन है, जो हमारे हड्डियों को बहुत ही मजबूत करती है, कैल्शियम से रिच है। तो इसे भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है। इसे तब तक भूनना है तब तक कि जब तक कि आप इसे हाथ से इस तरह से दबाएं और ये आसानी से फूट जाए। देख सकते हैं इस तरह से क्रश हो जानी चाहिए। तो समझ जाएं कि आपके मखाने हैं वो अच्छे से भून चुके हैं। इन मखानों को मैं बाहर निकाल लूँगी। यहाँ पर 1 चम्मच घी फिर से हम कढ़ाई में डालेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 कप कटी हुई सूखी नारियल ली है, जिसे हम भून लेंगे। इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। आप चाहें तो इस तरह से नारियल काट कर लेने की जगह पर आप इसे ग्रेट कर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरह से काट के लिए हूँ और इसे बाद में मैं इसे मिक्सी में चला लूँगी। अब हम इस कढ़ाई में घी ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि हमें इसी घी में गोंद को फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम का पैकेट गोंद का लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा गोंद घी में डालते जाएंगे और उसे हम तलते जाएंगे। इस टाइम पर आप गैस का फ्लेम ना तो लो रखें और ना ही हाई रखें, मीडियम रखें, जिससे कि धीरे धीरे आपकी जो गोंद है वो अच्छे से फूल जाएगी। अगर थोड़ी सी कच्ची रहेगी तो वो अगर आप उसकी बर्फी बनाएंगे तो दांत में जाके चिपकेगी। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा घी इसमें डालते जा रही हूँ। मैंने 100 ग्राम गोंद को 3 से 4 बैच में इसे तल के निकाला है। हमारी जो गोंद है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसी सेम कढ़ाई में बिना घी के ही हमने यहाँ पर 1 से 2 मुट्ठी किशमिश डाली है। इसे भी हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है और इसे हम साइड में एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो हम बर्फी हम बनाएंगे, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर बर्फी का ट्रे लिया है, जिसे घी डालकर ग्रीस कर लेंगे। आपके पास अगर बर्फी का ट्रे नहीं हो तो किसी थाली में आप इस तरह से घी लगा के ग्रीस कर रख लेंगे, क्योंकि इसी में हम बर्फी को जमाएंगे। अब बारी आती है सारे ड्राई फ्रूट को हमें पीसने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सूखी हुई नारियल, उसे मैं पीस के रख लूँगी। इसे पीसते जाएंगे और इसे हम साइड में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बादाम को भी पीस के रख लिया है, इसे भी मैं साइड में रख लूँगी। साथ में मैं काजू को भी पीस लूँगी।
इन सारे ड्राई फ्रूट को हमें बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर की तरह नहीं पीसनी है, बस इसे हमें दरदरी पीस लेनी है, जिससे कि बर्फ़ी खाने में हल्का सा इसका टुकड़ा मुंह में आने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको मुंह में ड्राई फ्रूट के टुकड़े आना पसंद नहीं है तो इसे आप बारीक भी पीस सकते हैं। तो हमने सारे ड्राई फ्रूट को पीस लिया है, अब इस गोंद को हम क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं। अब जितने भी ड्राई फ्रूट हो हम एक जगह इकट्ठा करके रख लेंगे। इसमें मैं किशमिश भी डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस बीजों को आपको पीसने की ज़रूरत नहीं, आप खड़े भी बीज आप बर्फ़ी में डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा पीस लेती हूँ। और यहाँ पर मैं 4 से 5 इलायची को इस तरह से छिलके हटा के इन्हीं के साथ मैं पीस लूँगी। इसे हम मैं थोड़ा दरदरा ही पीसी हूँ। अब इन सारे ड्राई फ्रूट के मिक्सचर में मैं इसे डाल दूंगी। इन ड्राई फ्रूट के पाउडर को हमें मेज़र कर लेना है। अगर आपके पास इस तरह के मेज़रिंग कप नहीं हो तो कोई भी आपके पास कटोरी कप हो उसी से आप इसे मेज़र कर लें। हमने यहाँ पर तकरीबन सारे ड्राई फ्रूट के पाउडर को मेज़र किया है, तो टोटल इसमें 6 कप ड्राई फ्रूट के पाउडर है, जिससे कि हमें इसमें चीनी डालने में आसानी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कढ़ाई को गैस के चूल्हे पर रख लेंगे। अब इस कढ़ाई में हम चीनी डालेंगे। तो हमारे पास ड्राई फ्रूट का जो पाउडर था उसे हमने मेज़र किया था तो 6 कप था, तो उसी का आधा हम 3 कप चीनी इसमें हम डाल लेंगे। आप चाहें तो इस बर्फ़ी को गुड़ में भी बना सकते हैं। अब चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ पर पानी डालेंगे, तो चीनी का आधा हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी डाला है। अब इस चाशनी को हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें बनाना है। इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। चीनी डालने के बाद आप इसे छोड़े नहीं, नहीं तो चीनी तले में जाके चिपक सकती है। जैसे ही उबाल आ जाए चाशनी में तो आपको इसे चेक करना है। अगर आपकी जो चाशनी है, अगर एक तार की चाशनी बन गई है तो इस टाइम पर आप इसमें ड्राई फ्रूट के पाउडर डाल दें। अगर आपकी जो चाशनी एक तार की नहीं बनी है तो उसे आप थोड़ी देर और उबाल लें। तो थोड़ी थोड़ी देर पर आप चाशनी को चेक करते रहें। ड्राई फ्रूट के पाउडर को डालने के बाद इसे आप मीडियम फ्लेम पर इसे मिक्स करते रहें। बर्फ़ी के मिक्सचर को आप कंटिन्यू चलाते रहें। हमने जो ड्राई फ्रूट को तलने के लिए 1/2 कप घी लिया था, उसमें से 1 चम्मच घी अभी बाकी था, तो वो भी घी इसी बर्फ़ी के मिक्सचर में हम डाल देंगे। जैसे ही आपको लगे बर्फ़ी के जो मिक्सचर इस तरह से इकट्ठा होने लगे और तले छोड़ने लगे, तो समझ जाए कि बर्फ़ी जमने के लिए तैयार है। तो आप इसे बर्फ़ी ट्रे में निकाल लें। चाशनी में ड्राई फ्रूट के पाउडर को पकाने में तकरीबन हमें 8 से 9 मिनट लगे थे। बर्फ़ी के मिक्सचर को इस तरह से ट्रे में चम्मच की हेल्प से इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे। बर्फ़ी के मिक्सचर को हम दूसरे ट्रे में भी डाल लेंगे और इन बर्फ़ी को हमें अच्छे से 4 से 5 घंटे ठंडा होने देना है। इन्हें हमें फ्रिज में नहीं रखना है, बस रूम टेम्परेचर तक ठंडा लेके आना है। देखिए हमारी जो बर्फ़ी है वो ठंडी हो गई है और इसे हम चाकू की हेल्प से काट लेंगे। ये ठंडी होने के बाद भी आसानी से ये जो बर्फ़ी है वो कट जाती है। अगर मेरी ये ड्राई फ्रूट बर्फ़ी की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरी जो ये रेसिपी है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इस ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी को आप घर पे ज़रूर बनाइए और एक बर्फ़ी डेली खाइए और सारी बीमारियों को दूर भगाइए।